अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दातुन जश्न में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ ईद स्पेशल की मामी सेवई। की मामी सेवई तो हर तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम सेवई, जो बहुत ही महीन है। और यहाँ पर मैंने लिया है इसका तिगुना, 750 ग्राम मैंने चीनी लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम छुहाड़ा, 100 ग्राम गरी, और ये मैंने गुनगुना गरम थोड़ा सा दूध लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने घी लिया है, एक कटोरी मखाना लिया है, 100 ग्राम काजू लिया है, 50 ग्राम किशमिश लिया है, और ये मैंने थोड़ा फूड कलर लिया है। यहाँ पे मैंने लिए 2 तेजपात और 2 इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग, और ये थोड़ा दाल। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोआ लिया है। अब हम इसमें घी डाल के सेवई को अच्छे से लाल होने तक भूंज लेंगे। यहाँ पर हमारा सेवई लाल हो गया है। अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। मैंने यह बछवाड़ा के बीज निकाल दिए हैं, और मैं इसमें दूध डाल के इसको फूलने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे हमारा सेवई भून कर लाल हो चुका है। अब हमारा छुहाड़ा फूल गया है, तब हम इसको मिक्सर में इसको हम पेस्ट बना लेंगे। मैंने छुहाड़ा का पेस्ट बना लिया है। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, मैं ये घी डाल रही हूँ। अब मैं मखाना को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पे मखाना डाल रही हूँ, मैं इसको अच्छा ब्राउन होने तक भून लूँगी। अब हमारा मखाना यहाँ पे फ्राई हो चुका है, हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे घी डाल के मैंने जो छुहाड़ा का पेस्ट बनाया है उसको मैं अच्छे से लाल भून लूँगी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दालचीनी। अब मैंने जो यहाँ पे छुहाड़ा का जो मैंने पेस्ट बनाया है, मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए हमारे यहाँ पे छुहाड़ा अच्छे से भून कर लाल हो गया। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें खोआ डाल के इसको भून लूँगी अच्छे से, इसको मिला लूँगी। खोआ यहाँ पे हमारा लाल हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इस मखाने को हल्का हल्का इसको हाथों से ऐसे छोटा छोटा कर देंगे। देखिए मैंने मखानों को इसको छोटा छोटा कर दिया है मैश करके। अब यहाँ पे मैंने देखिए गरी जो लिया था उसका मैंने हाफ कद्दूकस कर दिया है, और ये छोटा छोटे टुकड़े मैंने कर दिए हैं इसके थोड़ा सा। चलिए मैंने अब गैस ऑन कर दिया है चाशनी के लिए। अब मैं इसमें घी डालूँगी। अब मैं इसमें तेजपात और ये लौंग, इलायची और दालचीनी डाल रही हूँ। डालकर मैं इसको ढक दूँगी। अब हम चाशनी के लिए 400 ml कम से कम एक गिलास पानी इसमें डालेंगे। हम इसमें चीनी डाल देंगे और हम इसको चला लेंगे, और इसमें फूड कलर भी डाल देंगे। ये हमारा यहाँ पे चीनी घुल गया है, और ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट, यहाँ पर मैं खोआ डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं छुहाड़ा डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। यहाँ पे सेवई डाल देंगे, और डालकर गैस का फ्लेम बंद ऑफ कर देंगे।
देखिए यहाँ पे हमारा किवामी शेवई जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब जामुन जो मैंने अलग से बना कर रखे हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से सजा दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे किवामी शेवई बनकर तैयार है। तो आप भी प्लीज़ घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।